ऐसे समय में, और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि जब देश महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष मना रहा हो, तब इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए एक प्रेरणा स्थली आज बनी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें जो भी प्राप्त होता है वो सभी को स्वीकार होता है। अब असम में अनेक साथियों ने शांति और अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने के साथ ही लोकतंत्र को स्वीकार किया है, भारत के संविधान को सर आंखों पर बिठाया है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आज जब कोकराझार में इस ऐतिहासिक शांति समझौते को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुटे हैं, तब गोलाघाट में श्रीमद शंकरदेव संघ का वार्षिक सम्मेलन भी चल रहा है। मोई महापुरुष श्रीमंतो होंकर देवलोई गोवीर प्रोनिपात जासीसु, मोई लोगोत अधिवक्षण खोनोरु होफलता कामना करिलो। भाइयों और बहनों, श्रीमंत शंकरदेव जी ने असम की भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ पूरे भारत को, पूरे विश्व को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाया। ये शंकरदेव जी ही थे जिन्होंने असम सहित पूरे विश्व को कहा कि सत्य, शौच, अहिंसा सीखिबे समदम, सुख दुख शीत उष्ण आत है बसम, यानी सत्य, शौच, अहिंसा, सम, दम आदि की शिक्षा प्राप्त करो, सुख दुख गर्मी सर्दी को सहने के लिए खुद को तैयार करो। उनके इन विचारों में व्यक्ति के खुद के विकास के साथ ही समाज के विकास का भी संदेश निहित है। आज दशकों बाद इस पूरे क्षेत्र में व्यक्ति के विकास का, समाज के विकास का यही मार्ग सशक्त हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं बोडोलैंड मूवमेंट का हिस्सा रहे सभी लोगों का राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 दशक बाद पूरे सौहार्द के साथ बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े हर साथी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सम्मान मिला है। हर पक्ष ने मिलकर स्थायी शांति के लिए, समृद्धि और विकास के लिए हिंसा के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाया है। मैं देश को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरा हिंदुस्तान इस अवसर को देख रहा है। सारे टीवी चैनल आज
अपना कैमरा आप पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने एक नया इतिहास रचा है, हिंदुस्तान में एक नया विश्वास पैदा किया है, शांति के रास्ते को ताकत दी है आप लोगों ने। भाइयों बहनों, मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है, अब उसे पूर्ण विराम मिल चुका है। 1993 में जो समझौता हुआ था, 2003 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं। आपके दुख दर्द, आपके आशा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, बंदूक छोड़ करके, बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़ करके जब आप लौट के आए हैं, कैसी परिस्थितियों में आप आए होंगे मैं जानता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। और इसलिए इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए, इसकी चिंता मैं करूंगा। क्योंकि ये शांति का रास्ता, ये प्रेम का, आदर का रास्ता, ये अहिंसा का रास्ता, आप देखना पूरा असम आपके दिलों को जीत लेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना है। साथियों, इस एकॉर्ड का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, अधिक सशक्त किया गया है। इस समझौते में सभी की जीत हुई है और सबसे बड़ी बात है, शांति की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। अभी आपने खड़े होकर के, ताली बजा करके मेरा सम्मान किया, मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं शांति के लिए, मेरे लिए नहीं शांति के लिए, अहिंसा के लिए ताली बजाइए, शांति के लिए ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एकॉर्ड के तहत बीटीएडीए में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा।
इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा।